आपने 2017 में आई बॉलीवुड की मूवी जग्गा जासूस आपने देखा होगा या आपने इस मूवी के बारे में काफ़ी कुछ सुना भी होगा, मगर आजकल इन दिनों देश में एक नए जासूस की चर्चा हो रही है और इस जासूस का नाम है पेगासस। पेगासस पे आरोप है कि वो देश के भीतर कई सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है और इंस्टॉल होकर कई खुफिया जानकारियों को वो हैक कर रहा है। आप कहाँ जाते हैं, आप किससे मिलते हैं, आप क्या बातें करते हैं, किसको क्या मैसेज करते हैं, सारी चीज़ें का एक्सेस इस पेगासस नाम के जासूस के पास है। मगर ये पेगासस नाम का जासूस है क्या, जिसको लेकर इन दिनों देश में मचा है बवाल, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में पेगासस स्पाइवेयर एक बार फिर चर्चा में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इसके जरिए करीब 300 लोग, जिनमें कई पत्रकार, नेता और कोर्ट के जज शामिल हैं, उनके फ़ोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। पेगासस एक स्पाइवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कई हैकर्स उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकते हैं। पेगासस एनक्रिप्टेड ऑडियो और एनक्रिप्टेड मैसेजेस को भी पढ़ सकता है। एनक्रिप्टेड मैसेजेस ऐसे मैसेजेस होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वालों के पास होती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है वो भी उसे देख या सुन नहीं सकती, मगर पेगासस के जरिए एनक्रिप्टेड मैसेजेस को भी तोड़ा जा सकता है और उसके बारे में पढ़ा जा सकता है। पेगासस आपके फ़ोन में सिर्फ एक मिस्ड कॉल के जरिए भी हैकरों के द्वारा इंस्टॉल किया जा सकता है। कई बार कुछ लिंक्स को आपके फ़ोन में भेजा जाता है जिसे क्लिक करने पर ये जासूसी वाला सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है और आपको और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में इस सॉफ्टवेयर की जासूसी का मामला सामने आया। 2017 में मेक्सिको के सरकार पर आरोप लगा था कि वो इस सॉफ्टवेयर के जरिए देश के कई बड़े पत्रकार और एक्टिविस्ट की जासूसी कर रही है। हालांकि NSO कंपनी दावा करती है कि वो पेगासस सॉफ्टवेयर को सिर्फ देश के सरकारों को बेचती है ताकि सरकार आतंकवाद और अपराध से लड़ सके। मगर हाल ही के दिनों में कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जो दिखाते हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल भी किया गया है। अब ऐसे में भारत में भी इसको लेकर माहौल काफ़ी गर्मा गया है, मगर सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर का भारत में किसी भी तरह का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है और जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ है वो कानून के दायरे में रहकर हुआ है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, ईस्ट न्यूज़। और अधिक खबरों के लिए लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़ और अपने फोन को सुरक्षित रखिए और सतर्क भी रखिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।